अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। बाय बाय दीदी। अब तो हम पूरे दिन फ्री हैं, अब हम जो चाहे कर सकते हैं। अरे आ गए तुम? हाँ वो मैं ना अपने कार की चाबी भूल गई थी। हाँ आप भी दीदी, आप कुछ ना कुछ भूल ही जाती हो। नंदिनी तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो ना दीदी मैं किचन में खाना बना रही थी। अच्छा मुझे तो कोई खाना दिख नहीं रहा। वो रोटी बना के रख भी थी, अब सब्जी बना रही हूँ। अरे वाह बड़ी फास्ट सर्विस हो गई तुम्हारी तो। अरे वो फास्ट सर्विस होगी क्यों नहीं, मैं भी तो इसकी हेल्प करवा रहा था। एक सेकंड, ये तुम्हारी नेक पे क्या हो रहा है? अरे ये तो काम करते हुए किसी कीड़े ने काट लिया होगा शायद। ये गर्ल्स परफ्यूम की फ्रेग्रेंस क्यों आ रही है? अरे वो दीदी जीजू ने गलती से मेरा परफ्यूम लगा लिया। चलो कोई नहीं, मैं लेट हो रही हूँ, मैं जाती हूँ। बाय बाय दी। अरे अभिषेक चले जाओ प्लीज, अगर दीदी उठ जाएंगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी हमें। अरे नहीं उठेगी, वो बहुत गहरी नींद में सो रही है, उसकी छोड़ो ना तुम। उसकी तो छोड़ो, लेकिन अगर उठ गई तो फिर क्या ही हो जाएगा, उसे पता चल जाएगा कि हम दोनों के साथ कुछ चल रहा है। अरे नहीं उठने वाली है उसे, उसको छोड़ दो, उस पर ध्यान मत दो। चलो ठीक है आ जाओ। अरे केशू तुम आ गई? हाँ वो एक्चुअली अभिषेक मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। अरे किससे मिलवाना है, कौन है वो स्पेशल? है कोई स्पेशल? मिलवाओ कौन है भाई। अविनाश। ये मेरा बॉयफ्रेंड है और अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। क्या क्या बकवास है ये? अरे दीदी क्या बोल रही हो आप? अरे दीदी आपको पता भी आप क्या बोल रहे हो? हाँ मुझे पता है मैं क्या बोल रही हूँ और जो भी बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ। हाँ ठीक है ना, तुम्हारे साथ कौन रहना चाहता है, मैं भी नहीं रहना चाहता तुम्हारे साथ। तुम्हें शर्म तो आई नहीं, तुम शादीशुदा होकर की भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही हो, देख लो अपनी बहन को। मैं पहले ही बोलती थी कि शादी कर लो मुझसे, लेकिन नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, अब भुगतो। मतलब कि ये कि तुम अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करती हो तो मैं नंदी से प्यार करता हूँ, और हाँ मैं जल्दी तुम्हें डिवोर्स देकर के नंदी से शादी करने वाला हूँ। मतलब तुम दोनों का अफेयर चल रहा है? हाँ क्यों नहीं, जब तुम्हारा शादी के बाद भी तुम्हारा चक्कर चल सकता है तो मेरा भी चल रहा है। और हाँ मेरा कोई अफेयर नहीं चल रहा है, ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, ये मेरा लॉयर है। ये सब तो मैं बस तुम्हारे मुंह से सच्चाई जानने के लिए कर रही थी, मुझे पहले से पता था तुम दोनों का अफेयर चल रहा है। और नंदिनी तुम? इसका मतलब तुमने मेरे से झूठ बोला? हाँ। और नंदिनी तूने अपनी बहन के साथ ऐसा किया, इसीलिए तो हर महीने किसी न किसी बहाने से यहाँ आ जाती थी ना। पर दीदी मैं वो क्या, तूने अपने सगी बहन के साथ ऐसा किया है जो इंसान अपने दुश्मन के साथ ना करे। और सर ये घर मेरे नाम का है, मैं नहीं चाहती ये दोनों यहाँ पे रहें। छोड़कर जा सकते हैं, लीगल पेपर कल तक आ जाएंगे आप तक। हाँ बट सॉरी। नो प्लीज,